हम किसी पाबंदी से डरने वाले लोग नहीं है, ना हम कुर्सी के लालच में डर आए हैं, ना हम वो भूखे नंगे लोग हैं जो कोऑर्डिनेटर और एडवाइजर के लिए इस कौम का सौदा करके डरा लिया करें। हमारे मुजरा टस से मस नहीं है, गवर्नर और जितने भी एडवाइजर और कोऑर्डिनेटर जो चमचेगिरी करके सहूलतकारी करके बूट पालिश बनकर आए हैं, जो आवाम के हुकूक के लिए असेंबलियों में बैठे थे, उन सब ने आवाम को धोखा दिया, जिसकी हम पर जोर मजम्मत करते हैं। और कोई भी शख्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी शख्स इस टाइम पे आवाम से मुखलिस नहीं है, तो और कोई भी नुमाइंदा आवाम के साथ मुखलिस नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में हो या वज़रा की या गवर्नर की शक्ल में। तो इंशाल्लाह अन करीब हम अपने, अभी हम प्लान ए में जा रहे थे, अभी हम प्लान बी में जाएंगे, प्लान बी में तमाम दुकानें इधर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की तरफ जाएंगे और वफाकी आकाओं को और सूबाई वज़रा को हम घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। बहुत बल्तिस्तान के अवाम इस वक्त यादगार शहदा पर हमारा जो एहतजाजी जलसा है, गंदम की सब्सिडी, सेहत कार्ड की बहाली, खालसाई सरकार और जो रेवेन्यू टैक्स है इसके खात्मे के लिए अल्लाह उम्मीद है हम प्लान बी से, प्लान बी की तरफ जाने से पहले हमारे मसले हल होंगे। और जो इस्लामाबाद के दीवानों में बैठे हुए जो हमारे सूबाई वज़रा है, मैं इनसे एक बार फिर आपकी मीडिया के वसात से गुजारिश करूंगा, खुदा रहा इस गरीब आवाम का सोचे, इनकी मफाद के लिए काम करे। भाई हुकूमत से कोई वो नहीं है, उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है। गुलबर हुकूमत के वफाकी हुकूमत के साथ कोई कहीं किसी लेवल पे भी इस मामले पर मुजाकरात नहीं हो रहे हैं। लेकिन दिगर हम अगर 20 दिन भी रहना पड़े, 30 दिन भी रहना पड़े, हम यादगार शहदा पर डटे रहेंगे। अब तक पाकिस्तान में कोई मुंतखब हुकूमत कायम नहीं होते उस वक़्त तक इस मामले को एज इट इज़ चलने दें, इस तरह चलने दें। इसी तरह जब वफाक में कोई मजबूत हुकूमत कायम हो तो हम उसके उनके साथ नेगोशिएशन करेंगे और मुजाकरात करके इस मामले को हल की तरफ ले जाएंगे। किरदार अदा करना चाहिए वो अदा नहीं कर रहे। हम अपोजिशन से भी यही अपील करते हैं, वो या इस्लामाबाद में बैठे तो इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने जाके एहतजाज करें, अपने मुतालबात, गरीब आवाम के मुतालबात के लिए धरने दें, या असम्बली गिलगित में असम्बली के सामने जो है ना अपोजिशन के अरकान जाके रोज़ाना 1 घंटा आवाम की खातिर धरना दें और एहतजाज करें, तब हमें पता चलेगा कि आवाम अपोजिशन आवाम के साथ है। अमल में हम पूरे GB को जाम कर देंगे, हम शटर डाउन की तरफ भी जाएंगे, हम पहिया जाम की तरफ भी जाएंगे, लेकिन हम कोशिश आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा इम्तहान में डालना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर हुकूमत यही सरद महरी जारी रहे तो हम सख्त से सख्त इकदाम उठाने मजबूर हो जाएंगे। बल्तिस्तान के शेख जाफरी से लेकर तमाम उलमा ने कहा है कि हमने गंदम सब्सिडी के बारे में एक लफ्ज़ उनसे नहीं कहा है। आवाम को हुकूमत गलत बयानी से काम ले रहे हैं, कोई आवाम को एतमाद में नहीं लिया है। ज़बरदस्ती पहले उन्होंने 5200 रुपये किया, ज़बरदस्ती इस कर्दू में आके काबिना के फैसले में, उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आके उन्होंने इसको 3600 रुपये पर डन किया। इसमें सूबाई हुकूमत ने कहीं पर भी आवाम को मुज़ाकरात के ज़रिए या आवाम को एतमाद में नहीं लिया। गिलगित वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह धरने शुरू किए हैं, चिलास और गुपिस, गिजर, हमजा, नगर वगैरह में भी एहतजाजात शुरू हो चुके हैं। जो जो इंशाल्लाह ये एहतजाजात आगे बढ़ेंगे, लोग जोग दर जोग तो इन एहतजाजात में शिरकत करेंगे और आवाम को, हुकूमत को घुटने टेकने पर हम मजबूर करेंगे।